तो ये है मेरा मैकबुक जो कि 1 and 88 months हो गया, शायद 2 साल ही हो गया, पता नहीं, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन 1 and 1 and 8 months हो गया। चलो अभी इसको खोलते हैं। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या अच्छा है क्या खराब है वो मैं बोलने के लिए आप लोग को पूरा ट्राई करूँगा, क्या अच्छा है क्या बुरा क्या खराब। तो मेरा बॉक्स, ये जो सोच रहा था आप लोग, बॉक्स अभी तक नया है, नया खरीदा हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैं, मेरा बॉक्स ड्रॉयर में था, तो मैं रेन में रहता हूँ, तो सॉरी। कंडीशन देखिए, देखने से ही पता चल जाता है पुराना है, बहुत पुराना, बहुत पुराना मतलब 1 साल, मैं क्लीन करके नहीं रखता। अब इसको खोल के देखते हैं। तो अभी खोल रहा है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है खोलने के लिए। तो ये देखिए गाइस, आप लोग, ये जो मेरा मैकबुक है M1 है, 256 वेरिएंट, तो इसका पहले मैं बोलना चाहूँगा चार्जर, चार्जर दिखाता हूँ। चार्जर आप लोग को मिलेगा, ये देखो, ये आप लोग फोकस कर, टाइप सी है चार्जर भी, मस्त है, थोड़ा सा भी डिफेक्ट नहीं हुआ अभी तक। देखो मैं मोबाइल में भी चार्ज करता हूँ, ये है चार्जर। तो इसके बाद क्या दिखा, इसका स्पीकर का रिव्यू दिखाता है। ये जो नया गाना चल रहा है सब लोग सुनाया होगा, उरन, इसका स्पीकर सुनाते आप लोग को, चल जा भाई, क्या हुआ इसमें, क्यों वो नहीं हो रहा है। डिस्प्ले 13 है कि जब मैं हंसे आगे बढ़ गया था, ये बहुत सा स्पीकर मिलेगा, ये वाला 13 इंच है। फोर के ईद के वीडियो चला के देखते हैं, ईद के वीडियो भी चलते हैं। फोर के तक चलते हैं। Let us know in the comments, what is your favorite animal? मेरा जियो फाइबर है, मैं 360 का ही भर रहा हूँ, ये ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस है, पूरा कम ही कर देता हूँ, पूरा प्ले कर देता हूँ। ये फुल वॉल्यूम में है, तो इसको देखो, ये 4K वीडियो में चल रहा है। अगर आप लोग मैकबुक गेम खेलने के लिए अगर खरीद रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदे गेम खेलने के लिए, क्योंकि ये गेमिंग के लिए तो इतना नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए मतलब ये एप्पल सी लोगे ना, तो ओबियसली ये विंडोज़ का गेम सपोर्ट नहीं करता। जैसे मैं खेलता हूँ सी एस को ओबियसली बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत स्मूथली चलते हैं। और ये है, मैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदा कंट्रोलर, ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल नहीं है, ये 1500 में ख़रीदा, ओबियसली कनेक्ट होता है ये, इसका बैटरी भी ठीक ही है, बैटरी अराउंड 4 आवर्स नहीं, 2 आवर्स समथिंग ऐसे चलते हैं। तो ये डायरेक्ट ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने से इसमें रेड लाइट जलते हैं। तो गेम खेलना चाहते हैं तो CS:GO वगैरह कुछ कुछ खेल सकते हैं, CS:GO मस्त से चलता है, लेकिन इधर में तो लोग देख ही सकते हैं। और क्या है इसका, हाँ एडिटिंग के लिए बहुत मस्त है इसमें, और बैटरी हेल्थ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी बैटरी बहुत चलता है, एक बार फुल चार्ज हो गया तो आपका वीडियो वीडियो चलाने से, फिल्म देखने से आप लोग का एक दिन 24 आवर्स ज़्यादा चला जाएगा।
ये मैं बोलना भूल गया, ये 13 इंच का है, 256 GB वेरियंट। और इसमें प्रॉब्लम तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, मुझे तो बहुत मासी लगा। दिस एपन डेज भी क्या है, दिस एपन डेज बस गेम नहीं खेल सकता, विंडोज़ का गेम नहीं खेल सकता, विंडोज़ का गेम नहीं खेल सकता। और आपका देखिए, आपका मैक लेने से एक प्रॉब्लम आएगा, मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या आएगा। ये देखो, सॉफ्टवेयर अपडेट आप लोग को आता ही रहेगा, 12 GB, 6 GB, 3 GB, 4 GB, ये सब का अपडेट आता ही रहता है। क्या अपडेट आता रहता है पता नहीं, मैं लेकिन इतना अपडेट नहीं करता हूँ। या अभी देखो कितना 6 GB का आया है, macOS 14। बस कभी कभी ज़रूरी होने से बस अपडेट कर देता हूँ। और क्या क्या रिव्यू दिखा आप लोग को, क्या है आपका फ़ोन कैमरा, कैमरा इसका कितना मेगापिक्सल होगा तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा। और इसमें कीबोर्ड में लाइट भी जलता है, इसमें आप लोग को अभी दिखाई नहीं देगा लेकिन लाइट जलता है। कितना 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल शायद ये। तो आप लोग और किसी का कुछ रिव्यू में अगर भूल गया तो बोलना बताना। बैटरी टिकता है, 24 ज़्यादा टिकेगा तो, और बैटरी भी जल्दी चार्ज होता है, ऐसा नहीं है, मेरा तो जल्दी चार्ज होता है। मेरे हिसाब से तो मैकबुक खरीदने के लिए आप लोग कोडिंग या कुछ काम वीडियो एडिटिंग करने के लिए खरीद रहे तो पूरा सही 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 खरीद रहे हैं, लेकिन बस स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा खरीद लेना, 500 समथिंग वाला, 512 वाला, 512 वाला खरीद लेना, क्योंकि 256 GB वाला थोड़ा कमती हो जाते हैं। तो इसमें मेरा कुछ भी ऐसा डिफेक्ट नहीं आया, 1 एंड 8 ईयर 1 2 साल ही होने वाला है, सोचो 2 साल ही पकड़ लो, तो कुछ भी डिफेक्ट नहीं आया अभी तक। तो अभी क्या का रिव्यू, क्या बोलना भूल गया मैं, स्पीकर तो ऑलरेडी दिखा दिया, ये इसमें टच पैड मिलेगा, बहुत स्मूथ है, बहुत मस्त है। विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ में विंडोज़ खरीदने से गेम खेलने के लिए खरीद सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी अच्छा होता है, सब कुछ आता है विंडोज़। विंडोज़ ऐसा नहीं है आज ख़राब है, लेकिन विंडोज़ का मुझे जितना भी मैं जितना भी यूज़ किया, 3 साल 4 साल के बाद वो थोड़ा लेग होना शुरू कर देता है, फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू कर देता है। इसमें जब CS:GO खेलेगा तो CS:GO में आपको जब स्टार्टिंग करेगा तो ओबियसली थोड़ा हीट मिलेगा, लेकिन इतना नहीं है मेरा, मैं पूरा चलता है। GTA भी चलता है इधर में, ऐसा नहीं है कि GTA नहीं खेल सकता, GTA खेल सकता है, लेकिन वो विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है ना उसको उसको डालना पड़ेगा, जो कि फ्री है। तो चलो मिलते हैं गाइस, अभी रिव्यू किया दो, और अगर बाकी रहेगा तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइस।